25 into 1 जाएगा 35 तो 35
35 मल्टीप्लाई 25 क्या लेते हैं? 35 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास 875। 35 मल्टीप्लाई 25 525। तो ये आएगा हमारे पास 875। एसटी वैल्यू क्या आएगी? 875 या 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है कि ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर 25 मिनट्स इन द स्पीड रिमेंस सेम। हाउ फार कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स? 14 किलोमीटर 25 मिनट्स सर, 5 आवर का हम बता रहे हैं किलोमीटर। डायरेक्ट का क्वेश्चन ज्यादा जितनी ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे 5 आवर्स में दिया हुआ था, उसको मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि 25 मिनट में दिया हुआ है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 5 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 300 मिनट्स। अब वो बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने लेते डिस्टेंस, यहाँ लेते टाइम। डिस्टेंस कितना है? हमारे चिल्ड्रन को
यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और चिल्ड्रन कितने हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब एक अगर डिक्रीज हो रहा है एक्स, तो वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी हमारी, इनवर्स रिलेशनशिप, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। जब हम इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितने से करते हैं, देखो इससे एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे 4 वर्कर्स है और वो 90 डेज का अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, और अगर वर्कर्स इंक्रीज हो जाए 6 हो जाए तो कितने डेज का अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, 60 डेज में। और अगर वर्कर्स को हमने और बढ़ा दिया, एड कर दिया, तो आप कितने डेज में वर्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे वर्कर्स इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर हम वही वर्क है सेम वर्क है उसको ज्यादा वर्कर्स को लगाएंगे तो वो जो जल्दी काम कंप्लीट होगा वर्क। तो अगर हम 8 वर्कर्स को लगाते हैं तो कैसे करेंगे हम उसको फाइंड, उसको फॉर्मूला होता है एक्स वाई इक्वल के, एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल के। तो यहाँ पे हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल, यहाँ पे कितना दिया 8 दिया हुआ है और उसके डेज नहीं दिए तो उसकी जगह हमने एक्स मान लिया, ठीक है। 90 डेज में 4 वर्कर्स 90 डेज में करते हैं तो 8 वर्कर्स कितने में करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 90, इस 8 को जब नीचे ले आते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डेज। मतलब अगर 8 वर्कर्स हमने लगाया है तो हमें 45 डेज में वो वर्क कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपने बुक्स में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कल आपको ये बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। किसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब, नंबर ऑफ वर्कर्स है और टाइम कंप्लीट करना है जॉब का, तो उनके बीच में कैसा जो है रिलेशनशिप होगा। तो अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स लगाएंगे तो टाइम जल्दी मतलब टाइम क्या होगा, कम होगा, बहुत जल्दी वर्क कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा हमारे पास उसी वर्क को कम करने में। अगर मान लो 5 वर्कर्स लगाते हैं और टाइम अगर लगता है 9 आवर उसका, और अगर हम जब 6 वर्कर लगा देते हैं टाइम अगर 8 आवर्स होता है, तो इसका मतलब इसमें कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप या प्रतिलोम समानुपात। सेकंड है टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस टेबल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम अगर हमने जर्नी की टेकन कर ली और डिस्टेंस जो स्पीड की, तो जितने टाइम हम जर्नी करते हैं उतनी हमारी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस जितनी तुम यहाँ मतलब जितना टाइम हम कवर करेंगे उतनी हमारी डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। 5 आवर्स अगर हमने 20 किलोमीटर किया है 10 आवर्स में हम 30 किलोमीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, एक बड़ा है दूसरा भी बड़ा है, थ्री डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद एक एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, जो लैंड का एरिया कल्टीवेट कर रहे हैं तो क्रॉप कितनी हार्वेस्ट हो रही। अगर देखो एरिया जो है हम ज्यादा कल्टीवेट करेंगे तो हार्वेस्ट भी ज्यादा ही होगी, जितना एरिया हम ज्यादा कवर करेंगे उतनी ज्यादा क्रॉप्स हार्वेस्ट होगी। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब स्पीड है व्हीकल की और टाइम है, मान लो कि स्पीड हमें दी है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगता है 2 आवर्स का। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाए बढ़ जाए 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए टाइम वन आवर का लगेगा, तो जैसे अगर स्पीड ज्यादा हो रही है तो हम तेजी से इसको कंप्लीट करके अपनी डिस्टेंस को टाइम हमारे पास का कम लगेगा, कम लगेगा स्पीड बढ़ाने पे। तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इसके बाद है लास्ट इसका द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, पॉपुलेशन और एरिया। मान लो कि एक जगह की जो एरिया है वो 10 हेक्टेयर है और पॉपुलेशन उसकी 20 पीपल है। अब मान लो पॉपुलेशन बढ़ जाए तो लैंड का एरिया तो बढ़ेगा नहीं, तो पॉपुलेशन अगर 30 हो जाए तो फिर ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा 30 पीपल में।
अभी तो 10 पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 10 हेक्टेयर 20 पॉपुलेशन में, तो अब इसको कब मिलेगा? तो ये क्या हो जाएगा, 10 / 20 और इक्वल 30, ठीक है? तो ये एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही एरिया कम होगा। तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा? इसमें किस तरह का रिलेशनशिप होगा आपका? इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होगा। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना ही कम एरिया हमको मिलेगा, क्योंकि एरिया तो फिक्स है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एरिया अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होने में कम पार्ट को मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.2 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।